दोस्तों मैं हर साल अमरनाथ जाता हुए और पिछले करीब करीब अठारह साल से अमरनाथ जा रहा है दोस्तों अमरनाथ जाने के लिए तैयारी करते समय बहुत सारे सवाल सोचने पड़ते हैं कि कैसे जाए और क्या क्या साथ लेकर जाए जैसे कि कौन सी रेल से जाना है और कौन सी जगह पर रजिस्ट्रेशन करना है इन सब बातों को जानने के लिए सभी को बहुत तकलीफ होती है हमारी ये वीडियो उन तकलीफों और समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए आपके जरूरी काम आएगी सबसे पहले बोलो जय भोलेनाथ की जय बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 9 अगस्त तक होगी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन एक मार्च से ही शुरू हो चुका है तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो अब आती है बारी की आपको अमरनाथ यात्रा के समय क्या, -क्या सामान साथ लेकर जाना है सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर हैंड ग्लोज मंकी कप इत्यादि लेना ना भूले दूसरी बात वहाँ पर ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत होती है इसलिए आप उससे बचने के लिए छाता रेन कोट स्पोर्ट शूज टॉर्च चॉकलेट ड्राई फ्रूट तथा एक छोटा बैग भी अवश्य ले ले छोटे बैग को जब आप यात्रा पर जाते हैं तो वे हैं बहुत काम आता है अब बात आती है कि अमरनाथ यात्रा हर किसी के लिए नहीं होती है इसके लिए भी कुछ रूल है कि कुछ लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए 14 साल से कम बच्चे तथा पचहत्तर साल से ज्यादा उम्र वाले बूढ़े व हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जो कि कोई भी सरकारी अस्पताल से ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक व जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा ये बैंक में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटे के साथ फॉर्म भरना होता है तथा ओरिजिनल हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ पचास रूपए का फीस भरना होता है फॉर्म के आपकी यात्रा की तिथि तथा यात्रा का रूट आदि भरना होता है पूर्ण फॉर्म सबमिट करने पर बैंक आपको तीन कॉपी वाली पर्ची वापस देता है इस पर आपको तीन पासपोर्ट साइज फोटो चिप का लेना है इस पर भी आपकी यात्रा की जानकारी जैसे यात्रा तिथि व यात्रा रूट आदि की जानकारी होती है इसमें आपको इसी रूट से उसी तारीख में यात्रा करना अनिवार्य होता है अब हम आते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा किस रूट से जाना चाहते हैं जिसके लिए दो रास्ते हैं पहला रास्ता जो कि बाल जिसकी अमरनाथ गुफा की दूसरी चौदह किलोमीटर की दूरी पर है था दूसरा रास्ता पहलगाम है जो कि अमरनाथ गुफा अड़तालीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैं हर साल बालाटाल से ही जाता है इसलिए मैं आपको बारे सही जानकारी दे रहा है अमरनाथ यात्रा को आप चार प्रकार से कर सकते हैं पहली आप पैदल चलकर यात्रा कर सकते हैं दूसरी आप खच्चर से यात्रा कर सकते हैं तीसरी आप पालकी से यात्रा कर सकते हैं चौथी अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं अब आती है पहली प्रकार की यात्रा के बारे जैसा कि आप सोचते हैं कि चौदह किलोमीटर पैदल यात्रा करना आसान नहीं होता है और वो भी खड़ी पहाड़ियों में दूसरी बात अगर हिम्मत और जज्बा है तो भोलेनाथ का नाम जपते जाए और आपको पता नहीं चलेगा कि कब और 14 किलोमीटर गए और आए दूसरी बात खच्चर से यात्रा करना भी आपको बहुत आनंद देगा क्योंकि जब आप खच्चर पर बैठकर खड़ी चढ़ाई पर यात्रा कर रहे होंगे तो वो डर तथा आनंद आएगा वो आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा तीसरी बात पालकी की सवारी ये सवारी वो लोग करते हैं जो कि पैदल चल नहीं सकते हैं और खच्चर पर बैठ नहीं सकते हैं उसके लिए चार आदमी लकड़ी की पालकी बनाते हैं और उसे अमरनाथ गुफा तक अपने कंधों पर लेकर जाते हैं पालकी में लगभग छह से आठ आदमी होते हैं जो कि रास्ते में पालकी का सिरा बदलते रहते हैं और बारी बारी से मेहनत करके अमरनाथ यात्री को बर्फानी बाबा को दर्शन करवाते हैं चौथी बात होती है हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं अब आती है रास्ते में आने वाली कठिनाए ब जाने के लिए आप पहले जम्मू जाए ये आपके स्थान पर निर्भर करता है कि आप जम्मू कैसे पहुंचते हैं इसके लिए आप ट्रेन बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं इसमें आपका पहला पड़ाव जो कि जम्मू होता है जम्मू के अंदर आते हैं आप भगवती नगर पर जाए जहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्री निवास बनाया हुआ है जहाँ की सुरक्षा इंतजामों पर आप भरोसा कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर बिना पहचान पत्र तथा यात्रा रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं मिल सकता है इसके अलावा आप जम्मू में किसी होटल में भी रुक सकते हैं अब इसके आगे आप सरकारी व प्राइवेट बस तथा टैक्सी से बालटाल जा सकते हैं। सरकारी बस में सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था होती है अब आप बालटाल पहुँचने के बाद आपको खाने पीने के लिए काफी भंगणारे मिल जाएंगे जम्मू से कश्मीर 300 किलोमीटर की दूरी पर है और कश्मीर से बालटाल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अगर रास्ते की बात की जाए तो रास्ता पहाड़ियों से गुजरता है और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जो कि पहाड़ियों से गुजरता हुआ जाता है कभी कभी बारिश होने के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और रास्ता भी बंद होता रहता है यहाँ पर रात को गाड़िया चेक पोस्ट पर रोपी जाती है अगर आप जम्मू से सुबह पाँच बजे बस पकड़ते हैं तो आप शाम को छह बजे तक बालाटाल पहुंच जाते हो जब आप बालाटाल पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको टेंट किराए पर मिल जाते हैं एक टेंट का किराया 150 से 200 रुपए तक होता है लेकिन कभी कभी हम रजांसी में टेंट वाले इसका किराया 500 से 700 रुपए तक भी कर देते हैं जो कि वाजिब नहीं होता है लेकिन आप ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रह सकते हैं जहाँ पर बसें रुकती हैं, वहां से करीब एक से दो किलोमीटर दूरी पर होता है जो कि वहां पर पैदल जाना पड़ता है भंडारे में आपको खाना और रहना फिर रहता है अब भंडारे में पहुंचने के बाद यात्रा के लिए तैयारी करनी होती है तो आप पहले दिन समय से सो जाइए तथा सुबह पाँच बजे उठिए तथा भंडारे में ही स्नान घर तथा टॉयलेट की व्यवस्था होती है अब इन सब से निपटकर आप अपना बैग को भंडारे में ही छोड़कर छोटा बैट ले लीजिए जिसमें कि आप बैटरी चॉकलेट ड्राई फ्रूट तथा पानी की बोतल तथा आपका जरूरी लेना है ध्यान रखें जरूरी वस्तुओं को ही ले क्योंकि आप अपना बैग भारी ना बनाए ताकि रास्ते में असुविधा ना हो अब आप सुबह पाँच से छह बजे के बीच दो मिल्चें ट्वाइट पर पहुँच कर बम भोले का जयकार बोलकर यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं यहाँ पर आपको चैंकिंग के बाद ही अंदर यात्रा के लिए प्रवेश दिया जाएगा जैसे ही आपको सेना द्वारा यात्रा के लिए प्रमिशन मिल जाती है तो दो मिल से छह किलोमीटर तक बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है यहाँ पर मौसम के हर टाइम बदले की स्थिति को देखते हुए बहुत संभल कर रहना पड़ता है कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश के साथ बहुत ठंडी होती है तेज धूप होने पर काफी धूल में टटी उड़ती है तथा बारिश होने पर काफी कीचड़ हो जाता है इसलिए धूल से बचने के लिए नाक पर रुमाल बांध कर रखें इस चुनौती भरे सफर को करीब करीब पांच घंटे बाद आप बुराड़ी मार्ग तक पहुंच जाते हैं अब यहाँ से आप कम चढ़ाई की यात्रा शुरू होती है और इस तरह से आप अमरनाथ गुफा पहुंच जाते हैं यहाँ पर आप टेंट भी किराए पर ले सकते हैं तथा गर्म पानी से नहा सकते हैं करीब करीब 50 से 100 रुपए में गर्म पानी की बाल्टी यहाँ पर मिलती है यहाँ पर आपको मोबाइल तथा सामान छोड़ना होता है अपना सामान टेंट वाले के पास छोड़ते समय आप रसीद लेना ना भूलें और अब आप अमरनाथ गुफा में करीब करीब 200 सौ से चढ़कर अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं जय भोले की